नमस्कार, न्यूज बिहार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का समाचार, कोरोना महामारी रोकथाम की सरकार द्वारा लिए गए पदक्षेप को लोगों द्वारा गंभीरता से ना लेने के कारण जिला प्रशासन, आरक्षी बल और उत्तर कथा सहित पर्वतीय जिला द्वारा हाफलोंग और आसपास के इलाके में कड़ी व्यवस्था ली गई। लॉकडाउन की घोषणा के पश्चात हाफलोंग शहर में लोगों ने वाहन चलाए और बाजारों में रोजमर्रा के सामान के लिए काफी भीड़ देखते हुए डिमासो जिला उपायुक्त अमिताभ राज को और साहित्य परिषद के मुख्य कार्यवाही सदस्य देवलाल गोरला शाह ने लोगों को भीड़ ना करना और घरों में ही रहने की हिदायत दी और सिर्फ आपातकालीन स्थिति में घर से एक सदस्य को ही बाहर आने की आवेदन की और आरक्षी बलों को सरकार की इन नियमों को पालन ना करने पर कड़ी कानूनी व्यवस्था लेने की आदेश दी। आज जिला आरक्षी अधीक्षक वीर विक्रम गोगोई और आरक्षी बलों ने हाफलोंग बाजार में भीड़ भाड़ नियंत्रण करने के लिए और कानूनी व्यवस्था को ना मानने वालों के ऊपर लाठी चलाई और डिटेन किया एवं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए लाइनों की व्यवस्था भी किया। इधर कोविड महामारी की रोकथाम के लिए डिमासो के ढेर सारे गांव को संपूर्ण रूप से सील की गई। हाफलोंग शहर के निकट बागेटर एवं लोधी विलेज में आज से सील की गई और आसपास के इलाके के लोगों को ना आने की निवेदन की और सिर्फ गांव परिषद के अनुमति पत्र होने पर ही गांव में प्रवेश दी जाएगी और लोधी बागेटर की लोगों को छोड़ के फेमकुई और आसपास के गाँव के लोगों को जरूरी सामानों की खरीदारी की व्यवस्था की जाएगी जो सिर्फ लोधी गांव परिषद और बागेटर की गांव बुढ़ा अनुमति पत्र देने पर ही मिलेगी। आतिंगबे जेमी और यमलाल शर्मा गांव बुढ़ा लोधी विलेज और बागेटर विलेज ने बताया। इधर इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स ने कोविड 19 महामारी रोकथाम के लिए लोगों को एक मीटर दूरी बनाए रखने के लिए दुकान और फार्मेसी में चिन्ह लगाकर और लोगों को घर से ना निकलने की और जरूरी होने पर घर की एक ही सदस्य को बाहर आने के लिए सचेतन किया और सरकार की हर निर्देश को पालन करने की निर्देश किया। जिला उपायुक्त अमिताभ राजकुमार ने लोगों को भयभीत होकर खरीदारी करने को मना किया और कहा कि हर जरूरी खाने की चीजें, दवाई, गैस आदि पूर्ण रूप से लोगों को उपलब्ध है और इस कोविड महामारी को देखते हुए एक जिला स्तरीय इंसिडेंट रिस्पांस टीम की गठन की गई। लॉकडाउन और श्रम लॉकडाउन तो गया है, फिर भी हम लोग ये इलाका बागेटर, लोधी, टोपोडिसा, लुंगीराम, फेंकुई, यहाँ में आठ नौ गांव है। हम लोग का प्रिकॉशनरी मेजर और अच्छा से लेने के लिए हम लोग विचार करके आज शाम 4 बजे से लेकर के बुधवार सुबह तक टोटल शटडाउन करेगा ताकि मतलब आदमी लोग भी घर से नहीं निकलेगा। ऐसे में हम लोग जितना सकता हम लोग उन टाइट से थोड़ा रखने को चाहता है कि वहाँ से यहाँ का लोग थोड़ा समझने में कमजोर होता है। मैक्सिमम स्पेशली ये यामला एरिया से आता है लोग थोड़ा समझने में मुश्किल होता है। तब हम लोग ये फर्स्ट स्टेप एक ट्रायल बेसिस में टोटल लॉकडाउन करेगा, उसके बाद जिसको ज़रूरी है जिसको तो चाहे फेंकुई का एग्जाम्पल, फेंकुई का आदमी कुछ बागेटर में इसका एसेंशियल कमोडिटीज कुछ ज़रूरी हुई है तो गौपुरा का परमिशन लेकर के वो हम लोग के गेट टू पास करेगा। तो पुलिसा ये कोई गांव में भी कोई भी ज़रूरी होगा ऐसे आपका अपना इमरजेंसी नहीं आएगा, गौपुरा का सर परमिशन लेने के बाद हम लोग पास देगा। वो भी हम लोग एक घंटा में या आधा घंटा में एक एक करके डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए वैसे करेगा सोचा है। तो हम विनती करता है हम लोग का बागेटर इलाका का बाहर में जो लोग है टाउन एरिया, सरकरेबुगान एरिया, मधेपुरा एरिया, आप लोग भी ये हम लोग का शटडाउन का पीरियड में बागेटर एरिया में नहीं आने से अच्छा रहेगा बोल के हम सबको विनती करता है। थैंक यू। जैसे आप लोग आज लॉकडाउन तो है लेकिन आप लोग का तरफ से कितना बजे से देगा आप लोग लॉकडाउन? तो है हम लोग का इधर
सरकार का जैसा दिया उसे तो चलता रहा। बात हुई है हम लोग का गाँव इधर गाँव से आने वाला हम लोग को मालूम नहीं होता, बोलते हम लोग सिस्टम जो जी बी सी अपर वाले पर बी डी सी होकर थोड़ा सिस्टम में लेके जितना सकता है उसका डिस्टेंस करने की कोशिश किया। तब पर भी क्या होता है सिंचर में हम लोग का यही सिंचर में फर्स्ट टाइम कोरोना वायरस और कोरोना इमरजेंसी आने वाला आया, बोलते इतना मालूम नहीं हो हम लोग को सबका उसमें नहीं होता। चलिए बस्ती से गाँव से आने वाला लोग मालूम नहीं होता, बोलते हम लोग को समझाई के बजाई के कर सकता सोशल डिस्टेंसिंग कराने की कोशिश करा। और गाँव गाँव से आने के बाद में कदर करके जाने के लिए हम लोग को ए पी जी डी सी अपर डी डी सी तब पर भी अभी क्या हो गया तो अभी देखा थोड़ा ज़्यादा मतलब समय भी नहीं आता चलिए तो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। पूरा नेशनल इमरजेंसी है इसके लिए हम लोग हॉस्पिटल अभी खाली फार्मेसी छोड़ के उसको थोड़ा बंद करेगा। तो एक चीज़ की बात नहीं जिसको ज़्यादा ज़रूरत होता हम लोग के पास इसी करके उनके पास इसी करके आदमी को वही बाज़ार एरिया में बिकाएगा जाने का बाद भी तो वो बाज़ार करके आएगा नेक्स्ट ईयर जरूरत बंद होगा हम लोग को बोलेगा हम लोग को वॉलेंटियर को बोलेगा वही मुताबिक से ग्रोसरी दुकान पर से सामान लेके जाने का स्मूथली चलाने का तो बहुत दुख का बात है। दुनिया को ऐसा सोचा भी नहीं रहे वार का जैसा हम लोग सोच के वार जैसा वेपन नहीं हुई के क्या नहीं होने वाला वार जैसा सोच करने की कोशिश करता है। और थोड़ा बात कल भी बी डी सी का बुरा भी बोले गए इतना बोलते हम लोग बात करता है और बात समझ होगा सबको अपना का लिए कोशिश करके अपना बदन में हाई नहीं है कुछ मालूम नहीं होता है दूसरा डेंजरस वायरस है इसलिए जितना सकता हम लोग पास के सोशल डिस्टेंस रख के एंड वॉश करके इधर के दिन को हम लोग सिंचाई के रोड को साफ करके तो रखा है प्राय अभी গোপালে যে গাড়ি করছে গাড়ি গেছে নি দেখা দাও না দিয়ে দিন